अभी इस वीडियो में हम 10,010 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करें यह सीखेंगे। बिल्कुल आसान है। सर्वप्रथम आपको अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। देखिए, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ये आपके 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो आपको कम से कम 50 तक की जो अभाज्य संख्या हैं वो याद होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक लिख दिया है। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड करना कैसे है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे और अपनी अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग करना शुरू करेंगे। तो अब आपको कुछ डिवाइड करने के यानी भाग करने के नियम याद होने चाहिए। यदि आपको नियम याद है तो अपनी कैलकुलेशन कई गुना फास्ट कर सकते हैं। कैसे? यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो, तो वे संख्या आपकी 2 से विभाज्य रहती है। तो इसका इकाई अंक कितना है, 0, यानी आपकी 2 से विभाज्य, तो इसमें आप 2 का भाग करेंगे। तो देखिए, इसमें हम 2 का भाग करते हैं तो आपका भाग कितनी बार चला गया, 5 बार, 0 बार, और फिर 0 बार, और फिर 5 बार। जितनी बार भाग जा रहा है इसको हम यहाँ इसके जस्ट नीचे लिख देंगे। अब देखें, क्या ये संख्या 2 से विभाज्य? अपने नियम से देखो तो इसका इकाई अंक देखा कितना है, 5, इनमें से नहीं, मतलब 2 से विभाज्य नहीं है। 3 का क्या नियम है, सभी अंकों को जोड़ने पर क्या वो 3 से विभाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, 5 से ये विभाज्य है। तो इसमें 5 का डिवाइड किया कितना मिल गया, 1, 0, 0 और 1 मिल गया। अब देखिए, 5 का इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर हम यहाँ से कंफर्म कर लेंगे कि आपका 5 से विभाज्य नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है। हम आगे किसके पास जाएंगे, 7 के पास। तो 7 का चेक किया इसमें, ये आपका 7 से डिविजिबल है। कितनी बार, 1 बार, 4 बार और 3 बार। फिर इसमें हम आगे के प्राइम नंबर देखें, आगे के प्राइम नंबर कौन से हैं, 11, 13, 17, 19। अब इसमें देखा तो ये 7 से विभाज्य नहीं है, तो हम आगे जाएंगे किसके पास, 11 के पास। 11 का चेक किया तो ये 11 से विभाज्य हो रहा है। कितनी बार, 1 बार और 3 बार। फिर 13 देख सकते हैं, एक प्राइम नंबर है, तो 13 में 13 का डिवाइड किया, हमें 1 मिल गया। तो 10,010 के हमारे पास ये गुणनखंड आ गए। कितने हैं, 2×5×7×11×13। तो इस तरीके से हमने अपने इसके गुणनखंड किए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताओ।